एग्रीकल्चर देहात में हमने बहुत बड़े लेवल पे। अबू बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। एक खुलासे के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उसे पता है कि किस राज्य में एससी और एसटी की कितनी संख्या है। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। आगे सुनिए आमिलिंग जो खुद अबू बकर दे रहा है। एक बात बताइए, एक फोन पर 10,000 लोगों को रोड जाम करा रहे हैं, क्यों ना काम क्या हो? तो रोड जाम कहाँ कराया था आपने? ये हमने 2,000 हाईवे किया। अच्छा, 10,000 लोग? जी 10,000 बकायदा 7 घंटे रोड जाम रहा है। सीआईडी फेल, सीबीआई फेल, उसी में तो सबसे ज्यादा खलबली मची है। धोज में एक है, वो पूरे इलाके का फरीदाबाद के हेड है, अध्यक्ष बना रखा उन्होंने, किसी तंजीम है सफाई कर्मचारी उनके नाम से, तो उनका वो हेड तो मौलाना फखरुद्दीन है। हम सब उन्हें धान में मौलाना साहब, देखो मुसलमानों से बहुत बड़ी चूक हो रही है, मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि हमारे देश में 33% शेड्यूल्ड कास्ट है। 33% शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब आप समझिए मुसलमानों के बराबर की तादाद है, अच्छी खासी तादाद है। और अब हरियाणा में 24% जाट है, भारत का मुख्यमंत्री जाट रहा है, और हरियाणा में 22% शेड्यूल्ड कास्ट है और 16% मुस्लिम आबादी है। मैंने आकर अब मुसलमान क्या कर रहा है, जैसे ब्राह्मण को मिलता है मुसलमान भी। अगर मुसलमान देश से रास्ता जोड़े कि जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कुछ करेंगे तो नहीं, ये अपराध लड़वाएंगे। देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है, ये हमारा ये मिशन होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर और उसकी टीम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच भेद करना चाहता है। उसे लगता है कि भेद बढ़ेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो सरकार के विरोधियों की मदद करता है ताकि मुश्किल में उसे मदद मिल सके। सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान उसने इसी तरह दूसरे धर्म के लोगों से मदद ली।